नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू फोटोकार्ट से। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया वीडियो, और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रेजर का 2060 जूम और 6x अपर्चर में इसका रहेगा स्पोर्टिंग स्कोप, जो कि टेबल टॉप ट्राइपॉड के साथ में आएगा। और दोस्तों काफ़ी कम्पैक्ट है, आप कहीं भी अगर ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आप इसे लेके जा सकते हैं, और बहुत ही कम्पैक्ट है। टेबल टॉप ट्राइपॉड इसके साथ में आएगा। अगर आपको और इसकी बेहतरीन इसको यूज करना है तो आप एक फोटोग्राफिक ट्राइपॉड इसको ले सकते हैं यूज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप इसे अपने साथ अगर कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो आप इसे लेके जा सकते हो, पे आप जा रहे हो तो इसको लेके जा सकते हो, पर इवेंट पे अगर आप जा रहे हो तो एक आपको फोटोग्राफिक ट्राइपॉड की जरूरत होगी, कम्पैक्ट से आपका काम चलेगा नहीं। आप अगर आर्चरी करना चाहते हो तब भी आपके ये काम आ जाएगा, और शूटिंग वाले हैं जो शूटिंग रेंज में शूटिंग करते हैं उनको अपना ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट होता है वो देखना होता है शूटर्स को, तो उनके भी ये काम में है। और नाइट में भी आप इसका यूज कर सकते हो, मून वगैरह, मून के क्रेटर्स देख सकते हो। अगर आप डार्क स्काई एरिया में हो तो डीप स्काई वगैरह भी इससे आप कवर कर सकते हो, तो काफ़ी मल्टी यूजेस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या निकलता है, और इसके कुछ व्यूज़ भी हम वीडियो के लास्ट में डालेंगे, तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। दोस्तों ये निकलता है बॉक्स के अंदर, देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत कम्पैक्ट स्पोर्टिंग स्कोप है। 60mm इसका अपर्चर है और 20-60 का जूम प्रोवाइड करता है। ये टेबल टॉप ट्राइपॉड मिलेगा इसमें हमें एक, और एक इसमें ये वार्निंग पेपर दे रखा है जिससे कि आपको डायरेक्टली सन नहीं देखना है। ठीक है, क्लीनिंग क्लोथ मिलता है, और ये मिलता है मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि आप पढ़ के इसमें और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं इसकी। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और कम्पैक्ट जो कि ये स्पोर्टिंग स्कोप है। 20-60x आपको जूम पावर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूमिंग का ये ऑप्शन दे रखा है, 20-60x आप इसे जूम कर सकते हैं। यहाँ से ये जो पोजीशन है यहाँ से फोकस किए करेंगे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को। अगर आप 20mm पे कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तब भी आपको फोकस करना है, और आप अगर इंक्रीज करते हैं 40 पे जाते हैं तब भी आपको फोकस करना है, क्योंकि फोकस आपको हर बार करना पड़ेगा। ये डस्ट कैप लगा रखी है, इसको हम निकाल देते हैं, और काफ़ी अच्छे ऑप्टिक्स हैं इसके, मल्टी कोटेड है ये। यहाँ से आईपीएस वाला पोजीशन है, 20-60x पे आप पावर इसका इस्तेमाल कर लेंगे, फोकसिंग यहाँ से करेंगे। और जो मैं इसके अंदर आपको बता रहा था रिंग है, एक रोटेट रिंग है, आप इसको लूज करके, और इसको जैसे कोई शूटर है उनको शूटिंग करनी है तो यहाँ से करके वो इसको इस एंगल पे ना आपको व्यू हो जाएगा। तो ये रिंग बहुत काम की है, शूटर्स लोग जो है वो ज़्यादातर इस रिंग को ढूंढते हैं, और इस टाइप के ही वो टेलीस्कोप की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों सेलेस्ट्रॉन में मांगते थे, सेलेस्ट्रॉन में अभी अवेलेबल नहीं था हमारे पास इस टाइप के मॉडल, तो हमने ब्रेजर में अरेंज किए हैं आप लोगों के लिए। और दोस्तों काफ़ी रबड़ क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है, ग्रिप अच्छे से बनेगा, आपका स्लिप नहीं करेगा हाथ से। दोस्तों ये जो पोजीशन लग रही है यहाँ पे ट्राइपॉड कनेक्टर है, ट्राइपॉड यहाँ पे लगा सकते हैं आप। फ्रंट पे लगी हुई है डस्ट कैप, ये काफ़ी बढ़िया है, इस प्रकार से लग जाएगी और आपके साथ इसके साथ ही होल्ड रहती है, तो काफ़ी अच्छा है, मिस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और मल्टी कोटेड इसके ऑप्टिक्स से आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें ये शटर तरीके से दे रखा है जिससे आप अदर रोशनी या शन की रोशनी को मैनेज कर सकते हैं, ये अप एंड डाउन दोनों हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं आपको इसको ट्राइपॉड के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर ट्रेबल टॉप ट्राइपॉड आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेबल टॉप ट्राइपॉड आता है, सिंपल सा इसको यहाँ पे रख के कनेक्ट करना है हमें, इस प्रकार से रख के, और हमें ये कनेक्टर देना है। अब जैसा कि देख पा रहे हो आप, ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से इसे हम कस देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी रेडी टू यूज है। और दोस्तों जैसा कि मैं खुद देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये डस्ट कैप मेरे सामने है, तो यहाँ पे एक देख सकते हैं ये फोटो भी लगा रखी है कंपनी ने कि आपको डायरेक्टली इसे सन नहीं देखना है, तो वार्निंग के लिए दे रखा है, और काफ़ी हेल्पफुल है ये। कभी कभार हम लोग ध्यान नहीं रहता और हम कर लेते हैं, बट ये है, आप अगर कोई काम करें तो डिस्टर्ब भी करेगी, तो मेरे हिसाब से आप इसको निकाल दीजिएगा, बट ये इंटीमेशन या वार्निंग मैसेज है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बार बार हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे इसको देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं स्टिकर को। ठीक है दोस्तों, ये है और शूटिंग पर्पज से ये काफ़ी अच्छा स्पोर्टिंग स्कोप है, क्योंकि काफ़ी शूटर्स की यही रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमें रिंग वाला चाहिए स्पोर्टिंग स्कोप, और तो आप इसको इस किसी भी एंगल पे ले जाके आप इसे ये देखिए पूरे व्यू कर सकते हैं। कोई भी शूटिंग कर रहे हैं और आप अपने वो जो पॉइंट है, जो टारगेट है, उसको वो प्रॉपरली फोकस करके देख भी सकते हैं अपने इसमें जूमिंग पावर का इस्तेमाल करके। डे और नाइट दोनों में यूज कर सकते हो। रेजर कंपनी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, तो आप इसके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं।
के जो ऑप्टिक्स है वो काफी अच्छे हैं। तो अब हम इसकी आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं और टेस्ट मैसेज लिख भी देंगे आपको कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे दिख रहा है। टेस्टिंग वीडियो में डाल दी थी, आपने देख ली होंगी और मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलेगा इस क्वालिटी का स्पोर्टिंग स्कोप। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस प्रकार की नई वीडियो में, तब तक अपना प्यार यूँ ही बनाए रहें। जय हिंद, बाय बाय।